सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। हद ही करता है तू मालिक, शीशे जैसा मुकद्दर देकर वक्त के हाथ में पत्थर दे दिया। किसी के आगे इतना मत झुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीज़ों में परेशान करती है जिन्हें आप अपना कहते हैं। ये दो बातें रिश्तों में कड़वाहट डाल देती है, एक अहम और दूसरा वहम। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब घर वाले ही आपको दुख दें। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। माना रिश्तेदार ज़रूरी होते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता ख़राब हो तो कोई साथ नहीं चलते। जहर तो मैं पी गया, लेकिन तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब मैं उसके बावजूद भी जी गया। सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सर उठाकर फ़क्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी है। औकात से पड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देते हैं। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कभी मत रुको, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई आपको उसका श्रेय नहीं देता। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, कोई किस्मत में होगा तो खुद चल कर आएगा। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात अलग है कि मुझे ये साबित करना नहीं आया। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। ज़िंदगी की दौड़ भी बड़ी अजीब है, जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। ना किसी को नाराज़ करके जियो, ना किसी से नाराज़ होकर जियो। ज़िंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। लोग सुकून की तलाश में सारा जहां ढूंढते हैं, बस खुद को ढूंढना भूल जाते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। अपनी नज़र में मैं अच्छा हूँ, किसी की नज़र का ठेका नहीं लिया मैंने। अपनी ताकत पर लोग इतना क्यों उतराते हैं, याद रखना ये दुनिया है, यहाँ दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। जो किसी के लिए भी ना रुके, ऐसी मगरूर है ये ज़िंदगी। बदनाम है फिर भी, मौत से ज़्यादा मशहूर है ये ज़िंदगी। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए कि जब वो आपसे आपका हाल पूछे तो आप उसे सच बता सकें। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये समय बताता है। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है,
जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, ये तो कहने को इंसान बहुत है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ़ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं।